फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की ये पतली पतली एनसीईआरटी की किताबें हैं जिनको पढ़ते हो तुमको समझ में नहीं आता, तुमको लगता है लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग है। आज मैं बताता हूँ जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हारी लाइफ क्या होगी। सुबह 7 बजे उठोगे, 8 बजे तक मैक्सिमम हॉस्पिटल पहुंचोगे, पेशेंट देखोगे, वार्ड के राउंड करोगे, पेशेंट की काउंसलिंग करोगे और मैक्सिमम 9:30 बजे तक सब कुछ फिनिश करके ओपीडी पहुंचोगे। ओपीडी में डेली 30-40-50 पेशेंट देखोगे और वो पेशेंट तुम्हारे पढ़े हुए चैप्टर, कोई पहले चैप्टर का होगा, कोई सेकंड चैप्टर का होगा, मिडिल का होगा, कोई लास्ट का होगा, पता नहीं कौन सा पेशेंट किस टाइम कहां से आए। फिर अगर तुम मेरी तरह सर्जन बनोगे तो बीच में से तुमको जाना पड़ेगा ऑपरेशन करने के लिए, 2-3 घंटे तुमको ऑपरेशन में बिताने होंगे। तो तुम सोचोगे यार ओटी कर लिया, अब तो एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद भी तुम्हारा काम फिनिश नहीं होगा, तुमको अपनी ओपीडी फिनिश करनी होगी, फिर इवनिंग राउंड देखने होंगे, किसी पेशेंट को अगर तुम्हारे एडमिटेड पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको तुमको सॉल्व करना। उसके बाद अगर तुम सोचोगे कि तुम घर आके सुकून से सो जाओगे तो ऐसा नहीं है, अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आएगा तो उसके लिए फिर से तुम्हारे पास कॉल आएंगे। तो अभी जो तुम ये एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ये जो स्ट्रगल कर रहे हो, ये तुम्हारी आगे वाली लाइफ का मुश्किल से 1% है।